दोस्तों इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत अलर्ट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार आतंकी अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो सकते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि लाल किले के 3 किलोमीटर के दायरे में आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि आतंकी सीवर, गड्ढे और अन्य रास्तों का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी IED, सरकारी गाड़ी और वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने कहा है कि 3 से 4 आतंकी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट किए जाने के बाद इस आशय की पुष्टि की है। एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लखनऊ, दिल्ली और गाजियाबाद में आतंकी हमले करा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस आतंकी हमले में किसी BBIP को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 17 इलाके संवेदनशील घोषित किए गए हैं। एजेंसियों ने सलाह दी है कि सभी गाड़ियों की कई लेयर में चेकिंग हो। बताया गया है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन JAISH-e-MOHAMMAD राष्ट्रीय राजधानी को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। तो दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश है, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए। अगर आपको कोई भी अनचाही गतिविधि अपने आसपास नजर आती है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। यदि आप दिल्ली के बाहर किसी और इलाके में रहते हैं तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते समय सावधान रहें।